और अब अगली बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां माफिया अतीक के दोनों नाबालिग बेटों के रहस्य से अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है। अतीक के बेटों को लेकर सीजीएम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस की ओर से पेश की गई सीलबंद रिपोर्ट वापस लौटाई है। कोर्ट ने पुलिस से दोबारा स्पष्ट रिपोर्ट मांगी है और पुलिस साफ तौर पर बताए कि अतीक के बच्चे आखिरकार कहां हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है अब 17 मार्च को सीजीएम कोर्ट में इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। पुलिस ने 2 दिन पहले कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिससे संतुष्ट आज कोर्ट नजर नहीं आया। और मोइन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मोइन, अपडेट क्या है, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस की जो रिपोर्ट थी उससे संतुष्ट नहीं था कोर्ट। देखिए उमेश, कार शूटआउट केस में नामजद किए गए माफिया अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों के कथित तौर पर लापता होने के का जो रहस्य है उस पर से अभी पर्दा नहीं हट पाया है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि ये सस्पेंस जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में जो प्रयागराज पुलिस है उसने कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की थी, सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें ये कहा गया था कि चूंकि बच्चों को खतरा हो सकता है इसलिए साफ तौर पर जानकारी नहीं दी जा सकती, नहीं बताया जा सकता। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई है, जो रिपोर्ट थी उसे वापस भेज दिया है और प्रयागराज पुलिस से इस बागुदे मामले में स्पष्ट तौर पर रिपोर्ट देने को कहा है। में ये कहा है कि वो साफ तौर पर ये बताए कि आखिरकार दोनों बच्चे कहाँ हैं। 2 दिन में ये रिपोर्ट दाखिल करनी होगी और 17 मार्च को सीजीएम कोर्ट में इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये साफ हो सकता है कि अतीक अहमद के दोनों जो नाबालिग बेटे हैं आखिरकार वो कहाँ हैं। जी मोइन, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ये दोनों नाबालिग बेटे अतीक अहमद के हैं कहाँ, और जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दी गई थी उसमें क्या जवाब दिया गया? देखिए प्रयागराज पुलिस इस पूरे मामले में अब तक 3 से 4 बार कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है, जिसमें ये दावा किया जाता है कि जो बच्चे हैं वो बाल संरक्षण गृह में हैं, लेकिन किस बाल संरक्षण गृह में रखे गए हैं प्रयागराज पुलिस ये बताने को कतई तैयार नहीं है। जो शाइस्ता परवीन है उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो प्रयागराज का बाल संरक्षण गृह है वहाँ पर उनके बच्चे नहीं है। इसी वजह से ये जो सस्पेंस है वो लगातार गहराता जा रहा है और कोर्ट भी ये जानना चाहती है कि आखिरकार बच्चे कहाँ हैं, और इसी वजह से कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस से कहा है कि वो साफ तौर पर बताए कि किस बाल संरक्षण गृह में बच्चों को रखा गया है, ताकि जो उनके माता पिता है उन्हें इस बारे में जानकारी दी जा सके। इसके पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है मोइन, क्यों आखिरकार पुलिस ये बताने को तैयार नहीं है कि दोनों नाबालिग बेटे को अतीक अहमद के कहाँ रखा गया है, कौन से बाल सुधार गृह में रखा गया है? देखिए कोर्ट जो पुलिस जो बातें छिपा रही है उसके पीछे उसकी अपनी दलील है। पुलिस की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि दोनों बच्चे नाबालिग हैं, उनके पिता माफिया हैं, जेल में बंद है, उनकी मां पर 25,000 रुपए का इनाम है, वो पुलिस से बचने के लिए लगातार फरार हैं, ऐसे में बच्चों की जिंदगी को खतरा हो सकता है, तो बच्चों की जिंदगी पर कोई खतरा ना आए, उनकी जिंदगी पर कोई आंच ना आए, इस वजह से वो जो रिपोर्ट है वो जो जानकारी है वो साझा नहीं करना चाहती है पुलिस। इस तरीके की दलील प्रयागराज पुलिस की तरफ से दी जा रही है। चलिए बहुत धन्यवाद मोहम्मद मोइन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको मुजफ्फरनगर से बता दें, जहां अपराधियों में पुलिस का खौफ, मुठभेड़ और लूट में वांछित बदमाश ने सरेंडर कर दिया है। हाथों में तख्ती लेकर आरोपी थाने पहुंच गया। आरोपी ने कहा, योगी जी गलती हो गई और माफ करना, वांछित बदमाश अंकुर उर्फ राजा पर 4 केस दर्ज है। मुठभेड़ में फरार हुआ था बदमाश अंकुर उर्फ राजा, मंसूरपुर कोतवाली में आरोपी ने आज सस्पेंड किया है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, गले में तख्ती लेकर आज ये आरोपी सरेंडर करने पहुंचा, जिसमें उसने ये लिखा, योगी जी गलती हो गई अब माफ करना, वांछित बदमाश है अंकुर जिस पर 4 केस दर्ज है। और काफी लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन आज ये खुद थाने पहुंचा और इसने सरेंडर किया है। मुठभेड़ और लूट में वांछित बदमाश अंकुर, जिसने आज मुजफ्फरनगर थाने पहुंचकर सरेंडर किया है। मंसूरपुर कोतवाली में आरोपी ने आज सरेंडर किया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं सरेंडर के दौरान की, किस तरीके से अपने हाथों में तख्ती लेकर आज ये आरोपी सरेंडर करने पहुंचा। अगली खबर भी मुजफ्फरनगर से है, जहां पुलिस के डर से गैंगस्टर मोहित मलिक ने साथी के साथ काली नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद बुजुर्ग ने गैंगस्टर मोहित मलिक के साथी को तो बाहर निकाल लिया, जबकि गैंगस्टर मोहित मलिक की डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से गैंगस्टर मोहित का शव बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि मोहित और उसका साथी मुजफ्फरनगर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस चेकिंग को देखकर दोनों भाग निकले। इस दौरान पुलिस ने पीछा किया तो दोनों ने काली नदी में छलांग लगा दी, जिसमें मोहित की मौत हो गई है, जबकि उसके साथी को एक बुजुर्ग ने बचा लिया। ये नदी पार करते समय बचा लिया गया स्थानीय लोगों के द्वारा। पुलिस ने गोताखोरों को बुलाकर इसकी तलाश करवाई गई और काफी मशक्कत के बाद इसके शव को बरामद किया गया।
जो डूब गया था व्यक्ति उसके शव की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से उसकी जेब से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और इसकी जब जांच की गई तो मृतक मोहित के खिलाफ अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगभग 7 मुकदमे दर्ज हैं और इस शव को बरामद करके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु भेजा गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। मैं एकदम छोड़ रहे पैसे दे ले सब लुई लेके कपड़े भी बगेल के नीचे और एकदम कूद गया और मैंने खुद काटा उसको एक को तो निकाल दिया और एक इतनी दूर फासले जिस तरह डॉल इतना फासला और मुझे था वो गया बैठ। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।